मैं जूही आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक और नई वैकेंसी के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे बिहार विधानसभा, जिसका बहुत दिन से इंतजार था, वो आज आ चुका है। ठीक है, कल से फॉर्म डलाना यानी 1 जनवरी से फॉर्म डलाना स्टार्ट भी हो चुका है। आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसका पूरा डिटेल, कब से फॉर्म डलाना स्टार्ट हुआ है, कब तक फॉर्म डलाने का डेट है, पेमेंट का फी कब तक है, करेक्शन डेट है या नहीं है, कैसे फॉर्म डालना है, ठीक है, कब तक फॉर्म आप डाल सकते हैं, योग्यता क्या है, पूरा सिलेबस क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। इस वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझेंगे और अपने सारे डाउट को अच्छे से क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिहार विधानसभा की नई वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले कब से ये स्टार्ट हुआ, फॉर्म डालना कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फॉर्म अब डाल सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से फॉर्म डलाना स्टार्ट है। लास्ट डेट आप 21 तक डाल सकते हैं, यानी 1 जनवरी से 21 तक फॉर्म का डेट है। टोटल आपको 20 दिन दिया गया है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट 23 तक कर सकते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा आपको पेमेंट के लिए दिया गया है। एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया है, और जब एग्जाम डेट दिया जाएगा तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1 जनवरी से आप फॉर्म डालिए। कब तक डाल सकते हैं, 21 तक लास्ट डेट है। 21 से पहले कोशिश करना है कि इसी सप्ताह 10 तक आप फॉर्म डाल लें। ठीक है, क्योंकि फिर सर्वर डाउन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप 1 से 21 तक फॉर्म डाल सकते हैं। पेमेंट 2 दिन बाद यानी 23 तक भी कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं दिया हुआ है, जैसे ही देगा उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब फी कितना कितना है फॉर्म डालने का, तो फी देखते हैं। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का, इसमें टोटल 4 पोस्ट दिया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, ऑफिस अटेंडेंट है, और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट दिया हुआ है। चारों का फी अलग अलग है, चारों का एग्जाम का पूरा प्रोसेस अलग अलग है, पूरा सिलेबस अलग अलग है। चारों का जो आपका लास्ट मेरिट बनेगा उसका अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले फी समझते हैं। हाँ, लेकिन फॉर्म डालने का डेट एक ही है, फॉर्म आप एक ही डेट पे डाल सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्म का डेट सेम है, बाकी चारों का सब कुछ अलग अलग है। तो एक एक पोस्ट करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले फी देखते हैं। फी सिक्योरिटी गार्ड का जनरल, OBC, EWS या EBC सबका कितना है, 675 रुपया, और SC ST के लिए 180 रुपया। ये सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा प्रहरी का है। ठीक है, आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, या EWS से आते हैं, या EBC से आते हैं, फी कितना आपका, 675 रुपया आपको फी देना होगा। और अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो 180 रुपया। ठीक है, अगर आप दूसरे पोस्ट यानी ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के लिए फॉर्म डालते हैं, तो जनरल, OBC और EWS के लिए 400 रुपया, SC ST के लिए 100 रुपया। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का अलग हो गया, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट का एक जैसा हो गया, जनरल, OBC, EWS का 400 और SC ST का 100 रुपया। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट में DEO भी बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए आप जनरल के हैं, OBC हैं या EWS हैं, तो आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा, और SC ST में 150 रुपया। ये 4 पोस्ट था सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें SC ST को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट वाले हैं 675, SC ST 180। ड्राइवर या ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो SC ST को छोड़कर बाकी सारे पोस्ट के लिए 400 रुपया। डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर रहे हैं तो SC ST को छोड़कर बाकी सारे पोस्ट के लिए 600 रुपया, और SC ST वाले को 150 रुपया लगेगा। ये चारों पोस्ट का पेमेंट का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेमेंट से आगे बढ़ते हैं, पोस्ट देखते हैं, टोटल पोस्ट कितना कितना दिया हुआ है। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद जिसको DEO बोलते हैं, ड्राइवर, उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड में 80 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी आई हुई है, DEO में 40 पोस्ट पे है, ड्राइवर में 9 पोस्ट पे है, और ऑफिस अटेंडेंट में 54 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी आई हुई है। सबका अलग अलग पोस्ट बांटा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा प्रहरी, सबसे ज़्यादा पोस्ट 80 मिलेगा, उसके बाद आपको ऑफिस अटेंडेंट में 54 पोस्ट, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में 40 पोस्ट, फिर ड्राइवर में आपके लिए 9 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 10+2 यानी 12th यानी इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटर किए हुए हैं तो आप सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म डाल सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए
इंटर चाहिए, उसके बाद आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड भी दिया हुआ है। अगर ये दोनों है आपके पास तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी फॉर्म डाल सकते हैं। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और टेंथ लेवल पे आप ड्राइवर का फॉर्म डाल सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट ये टेंथ लेवल पे आप डाल सकते हैं जिसमें 54 पोस्ट है, तो सिक्योरिटी गार्ड में 80 है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऑफिस अटेंडेंट यानी 54 पोस्ट इसमें है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में 40 है, ड्राइवर के लिए 9 है। ड्राइवर का पोस्ट अगर आप ड्राइवर के लिए डाल रहे हैं तो इसमें आपको ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और टेंथ क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री का डालेंगे तो फिर आपके पास टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग का भी आपके पास होना चाहिए। ये पूरा आपका था पोस्ट का, ठीक है, पेमेंट हो गया, पोस्ट हो गया। अब एक एक करके देखते हैं इसमें है क्या क्या। पहले एज देखते हैं, सबका एज भी अलग अलग है। सिक्योरिटी गार्ड इसमें आपका फिजिकल होगा, सिक्योरिटी गार्ड में आपका फिजिकल भी है और इसमें एग्जाम भी लिया जाएगा। तो सबसे पहले एज, सिक्योरिटी गार्ड का एज कितना, मिनिमम सबका 18 ही है, मिनिमम सबका 18 है, मैक्सिमम एज में अलग अलग दिया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड में मैक्सिमम एज जनरल वाले के लिए 25 साल, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म डाल रहे हैं तो मेल या फीमेल दोनों के लिए 25 साल। ओबीसी में मेल के लिए 27 है और फीमेल के लिए 28 है, ठीक है। जनरल वाले के लिए 25 मेल और फीमेल दोनों सिक्योरिटी गार्ड में है, और ओबीसी 27 मेल का है और फीमेल का 28 है। एससी एसटी में 30 है, मेल हो या फीमेल हो। ये सिक्योरिटी गार्ड का था। ड्राइवर का मिनिमम 18 है, ड्राइवर मिनिमम 18 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम जनरल 37 चाहिए। जनरल फीमेल का 40 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी मेल या फीमेल 40, ओबीसी मेल या फीमेल 40, एससी एसटी 42, मेल या फीमेल 42, ठीक है। ये आपका ड्राइवर का था। उसके बाद फिर दो पोस्ट और बचता है जिसमें एक ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो ऑफिस अटेंडेंट वाले में मिनिमम तो सबका 18 ही रहता है, मैक्सिमम जनरल आपका ये हो जाएगा 37, ठीक है, ओबीसी में 40, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस फीमेल का 40, एससी एसटी अगर आप हैं तो 42, अब मेल है या फीमेल है 42 साल, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का मिनिमम वही 18 ही है, और अगर आप जनरल से आते हैं तो मैक्सिमम 47, ठीक है, ओबीसी में मेल या फीमेल दोनों है तो 40, और जनरल में अगर फीमेल है तो 40, जनरल में अगर मेल है तो 37, जनरल में अगर फीमेल है तो 40, और एससी एसटी अगर मेल या फीमेल कोई भी है तो 42। ये था डाटा एंट्री ऑपरेटर का। जनरल 37 मेल का है, 40 फीमेल का है, ओबीसी 40 मेल फीमेल दोनों का है, एससी एसटी में 42 मेल फीमेल दोनों का है, ठीक है। ये पूरा आपका एज का था। अब सिक्योरिटी गार्ड में आपका फिजिकल भी है, इसलिए इसमें हाइट और चेस्ट दोनों दिया हुआ है। मेल का हाइट 167.5 cm है और चेस्ट 76.5 से 81, यानी बिना फुलाए आपका 76.5 होना चाहिए और फुलाकर 81 cm होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल का हाइट कितना, 154.6 cm सिक्योरिटी गार्ड के लिए हाइट होना चाहिए। हाइट सिक्योरिटी गार्ड में लिया जाएगा क्योंकि उसमें फिजिकल है, तो अगर मेल हैं तो उनका हाइट 167.5 सेंटीमीटर, अगर फीमेल्स हैं तो 154.6 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मेल का चेस्ट लिया जाएगा बिना फुलाए 76.5 और फुला के 81 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एज हो गया, फी क्लियर हुआ, उसके बाद कितना पोस्ट किस किस चीज़ के लिए है वो भी क्लियर हो गया। अब एज भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कैसे कैसे एग्जाम होगा, पूरा सिलेबस क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए, ये है आपका पूरा सिलेबस, चारों पोस्ट, चारों का अलग अलग, पूरा प्रक्रिया का आपका अलग अलग है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड इसमें कैसे कैसे है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म डालते हैं तो सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरा फिजिकल होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपका पासिंग होगा, और दूसरा जो शारीरिक दक्षता जांच है, परीक्षा है, जिसको फिजिकल बोलते हैं, ये आपका इस पर मेरिट बनेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा,
टोटल टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। उसका क्वेश्चन उसमें कहाँ कहाँ से आएगा, तो सामान्य अध्ययन से आएगा और मैथ से आएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन और फिर मैथ से 50 क्वेश्चन, टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चन। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम पीटी एग्जाम भी बोलते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक एग्जाम होगा जिसको पीटी एग्जाम बोलेंगे, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सामान्य अध्ययन यानी आपका जीएस हो गया और मैथ से आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसमें पास करते हैं तो फिर आपका फिजिकल होगा, दूसरा फिजिकल, इसी फिजिकल पे आपका मेरिट बनेगा। ये फिजिकल का पूरा क्या क्या है प्रोसेस, फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ आपका रनिंग होगा। ठीक है, फिजिकल में सिर्फ रनिंग होगा जो 100 अंकों का होगा। ठीक है, फिजिकल आपका 100 अंकों का होगा, जिसमें अगर मेल है तो वो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील। ठीक है, 1 मील में 1600 मीटर होता है यानी 1.6 किलोमीटर। ठीक है, अधिकतम 6 मिनट में, इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 6 मिनट में आप अधिकतम कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के अंदर आए तो आपको 100 अंक मिलेगा, 100 में 100 अंक मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर, अगर 1 सेकेंड भी अंदर आते हैं तो 100 अंक मिलेगा 5 मिनट से ज़्यादा, और 5 मिनट 20 सेकेंड से कम अगर आप टाइमिंग लेते हैं तो 80 अंक मिलेगा 5 मिनट के अंदर, तो 100, 5:20 के अंदर तो 80, 5:20 से 5:40 के अंदर आते हैं तो आपको 60 अंक मिलेगा, और 5:40 से 6 मिनट तक में आते हैं तो 40 अंक, और 6 से ज़्यादा लेते हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई। सेम यही चीज़ फीमेल के लिए भी है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, बस अंतर इतना है कि मेल के लिए आपका 1600 मीटर है और फीमेल के लिए 1000 मीटर है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर फीमेल के लिए है, टाइमिंग सेम ही है, अगर 5 मिनट के अंदर आते हैं तो 100, 5:20 के अंदर आते हैं तो 80, 5:20 से 5:40 के अंदर आते हैं तो 60 अंक, और 5:40 से 5:06 तक आते हैं तो 40। ठीक है, और 6 से ज़्यादा टाइमिंग लेते हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई। पूरा मेरिट आपका रनिंग पर ही बनना है, और रनिंग की तैयारी भी हमारे एकेडमी में करवाई जाती है रिटेन के साथ साथ, चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पटना, यहाँ पे बबलू सर, सुजीत सर, सूरज सर के द्वारा अच्छे से रनिंग का भी हो जाएगा, मेरिट की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, अच्छे से करवा दिया जाएगा। तो पहले आप पीटी पास कीजिए, फिर फिजिकल के लिए आप ज्वाइन करिए, और रिटेन का भी होता है तो आप रिटेन का भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हमारे ऐप पर भी इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था पूरा सिक्योरिटी गार्ड का, मेरिट आपका फिजिकल पर ही बनना है। अब आते हैं दूसरे पोस्ट के लिए, दूसरा पोस्ट है आपका ऑफिस अटेंडेंट का, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। अगर ऑफिस अटेंडेंट में लिखा गया है नोटिफिकेशन में साफ साफ, अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है तो पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ पास करना है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो 100 अंक का होगा, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, इंटरव्यू के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। हाँ, लेकिन अगर 40,000 से कम फॉर्म डलाता है तो फिर एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 100 अंक का ही होगा, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। ये ऑफिस अटेंडेंट का था। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा पोस्ट अगर फिलअप हो गया तो फिर एग्जाम लिया जाएगा, फिर जो बच्चा उसमें पास करेगा उसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू टोटल 100 अंक का होगा, और अगर कम होता है तो फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तीसरा पोस्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इसमें भी 2 चरण में एग्जाम होगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2 घंटे आपको समय मिलेगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, टोटल इसमें सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग मिला के 60 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी सिर्फ आपको पास करना है, उसके बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर दूसरा फेज होगा एग्जाम 2, जिसमें टाइपिंग होगा, और इसी के आधार पे फिर आपका मेरिट बनना है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका मेरिट टाइपिंग के आधार पर बनेगा, ये सिर्फ पासिंग है। उसके बाद फिर आपका आता है ड्राइवर का पोस्ट, ड्राइवर के पोस्ट में सबसे पहले आपका व्यवहारिक जांच परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा, उसके बाद कैसे कैसे उसमें होता है वो पूछा जाएगा, और फिर बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें भी मेरिट जो बनेगा वो इंटरव्यू के आधार पर ही बनेगा,
ड्राइवर में भी साक्षात्कार यानी स्वांग का होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और मेरिट भी उसमें इंटरव्यू के आधार पर ही बनेगा। यानी इसमें इस चारों पोस्ट में फिजिकल सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में है, इंटरव्यू दो में है, एक ऑफिस अटेंडेंट में, दूसरा ड्राइवर के पोस्ट के लिए, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के आधार पर मेरिट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनेगा। ये पूरा प्रोसेस था इस बिहार विधानसभा के वैकेंसी का, जिसमें कितना पोस्ट दिया गया, एज क्या क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए, और फी कितना कितना लगेगा, पूरा सिलेबस क्या है, मेरिट किस आधार पे बनेगा, किस पोस्ट पर किस आधार के लिए मेरिट बनेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो फिर आगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही।